हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डाउट नट के इस सेशन में। बच्चों, आज के हमारे इस 10 मिनट के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं टॉपर्स की तरकीबें। जैसे कि आप सारे के सारे बच्चे 10th क्लास के जानते हैं कि आपका एग्जाम है, मैं भी जानती हूँ, हर कोई जानता है। और बच्चों, टेंशन जो है ना इस टाइम पर, जब ये लास्ट मोमेंट चल रही होती है, एग्जाम आने वाला है, 3 दिन रह गए, 2 दिन रह गए, 1 दिन रह गया, काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी, टेंशन, ये सारी चीज़ें एंड मोमेंट पर होती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ हो रही है, हर किसी बच्चे के साथ जो इस समय पर एग्जाम दे रहा है वो सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं। बच्चों, वो बच्चे जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिवीजन करी है उनके साथ भी ये होता है, और वो बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक उनके ज़्यादा साथ भी सेम ही चीज़ होती है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। इस समय पर बच्चों, टेंशन से ज़्यादा हम लोगों को इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि किस तरीके से 2 या 3 दिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आज के हमारे सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों, 10 मिनट में कैसे हम लोग टॉपर्स के राज जानेंगे, किस तरीके से जानेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं हम लोगों को एग्जाम के अंदर जान के जाने की जरूरत है, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि जिनको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कर सकते हैं, एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जरूरी हैं। जल्दी से चलते हैं आगे, और यहाँ पे बच्चों सबसे पहले समझ लेते हैं एग्जाम पैटर्न को। अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करें, हमें पता है कि एसएसटी के अंदर 4 डिविजन्स होते हैं, मेजर डिविजन्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, ठीक है बच्चों। तो ये जो चारों डिविजन्स हैं, चारों ही 10-10 नंबर के आ रहे हैं, 40 नंबर का आपका पेपर है पेपर में, लेकिन क्वेश्चंस होंगे 60 क्वेश्चंस होंगे, 50 आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है बच्चों। और 50 अटेम्प्ट करोगे और 40 नंबर के क्वेश्चंस हैं, मतलब 0.8 मार्क का हर क्वेश्चन है। तो ध्यान से बच्चों अपने पेपर को अटेम्प्ट करिएगा। पहली बात तो सेक्शन ए के अंदर 24 क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ 20 ही अटेम्प्ट करने हैं, 22 में से 18 ही अटेम्प्ट करने हैं, 12 में से 10 ही अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन सेक्शन डी के दोनों क्वेश्चंस जो कि मैप बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने हैं। तो ये चीज क्लियर है। चलिए अब जल्दी से आ जाते हैं जिस चीज का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा हिस्ट्री का चैप्टर, जो हर बच्चा बोलता है कि मैम एक और बारी रिवाइज करा दो, एक और बारी, बस लास्ट टाइम मैम एक और बारी बता दो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चों सबसे पहली चीज, इस चैप्टर के अंदर कुछ डेट्स हैं जो आपको लर्न करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, उसके बाद नेपोलियन की डिफीट कब हुई थी, इटली का यूनिफिकेशन कब हुआ था, जर्मनी का यूनिफिकेशन कब हुआ था, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ था, ठीक है बच्चों, ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये सारी ट्रीटीज़ कब कब साइन हुई थी, इन सब के बारे में ध्यान रखना है कौन कौन सी डेट्स हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद ब्रिटेन के अंदर यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो कौन सी एक्ट, एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू। उसके बाद आयरलैंड जब मर्ज हो जाता है तो उसकी बात भी करनी है 1801 में। तो बच्चों ये सारी की सारी डेट्स जो हैं आपको याद करनी है, थोड़ी बहुत ही बताई हैं, ये तो पक्का पक्का याद ही करना, अगर कोई और डेट्स आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं उनको भी लर्न करके जाइएगा, क्योंकि बच्चों एमसीक्यू के अंदर आप कंफ्यूज हो जाते हो। एमसीक्यू रिलेटिवली एक ईजी पैटर्न है, लेकिन उसके अंदर कंफ्यूजन जो है वो ज़्यादा रहती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है, और कंफ्यूज तभी नहीं हो पाओगे जब आपने अच्छे से चीज़ों को पढ़ा होगा, समझा होगा। सारे सेशंस आज तक अटेंड करे होंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने वाले हो बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी को फॉर्म करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई कब थी। उसके बाद बच्चों फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हम नेपोलियन बोनापार्ते की बात करते हैं, तो कौन सी पावर्स ने उनको डिफीट कर दिया था, नेपोलियन बोनापार्ते कौन सी बैटल में हार गए थे, कब हुई थी वो बैटल, तो डिफीट ऑफ नेपोलियन को याद रखना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, प्लीज़ वो वाला क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन वाली जो चीज़ थी उसको अच्छे से याद रखिएगा। मेकिंग ऑफ जर्मनी इटली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कौन से राजा को जर्मनी का किंग बना दिया गया था, कौन से राजा को इटली का किंग बना दिया था, इनके चीफ मिनिस्टर्स कौन थे, और बाकी लोग, जैसे कि बच्चों जर्मनी की यूनिफिकेशन में बिस्मार्क थे और वहाँ के राजा थे केसर विलियम, ठीक है। उसके बाद जब हमने इटली की बात करी तो यहाँ पे 4 लोग थे, ग्यूज़िपी गैरिबाल्डी थे, ग्यूज़िपी मज़िनी थे, उसके साथ हमारे राजा थे विक्टर इमैनुअल II और उनके चीफ मिनिस्टर काउंट केवर। इन 4ों ने मिलकर जो है एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी, किस
में, इटालियन यूनिफिकेशन में। फिर बच्चों ब्रिटेन की बात करेंगे, ठीक है, वोल्फ टोन याद रखिएगा, आयरिशमैन वाला जो स्ट्रगल था, ठीक है, उस चीज को याद रखिएगा। अब ये सारी चीज समझ में आ गई है, विजुअलाइजिंग द नेशन एलिगरी वगैरह क्या है, मरेन फ्रेंच की एलिगरी, जर्मेनिया जर्मनी की एलिगरी याद रखेगा इस चीज को, और बाल्कन रीजन को एंड में कौन कौन सी जगहें बाल्कन रीजन का हिस्सा थी, ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है बच्चों। हाँ एक और चीज, जब प्रूशिया की लड़ाई होती है कौन कौन सी पावर्स के साथ प्रूशिया की लड़ाई होती है, ठीक है, कितनी लड़ाइयां होती हैं, तो 3 wars ओवर द पीरियड ऑफ 7 years याद रखिएगा उस चीज को, प्लीज बार बार बोल रही हूं। चलिए तो ये चैप्टर इतना कुछ नहीं है, एक जो है ना इसका एक डर काफी ज्यादा रहता है लोगों के बीच में, लेकिन बच्चों इतना कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी, अगर आप ये चीजें भी पढ़कर चले जाएंगे ना अच्छे से तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं। ऑलराइट चलिए जल्दी से आ जाते हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। अब ये वो चैप्टर है ज्योग्राफी का जिसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हमको रहती है, लेकिन बच्चों यहाँ पर जो बहुत ही ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के अंदर जब हम लोग ओनरशिप के बेसिस पे किसी भी बेसिस पे बात करते हैं, ठीक है, ओनरशिप के बेसिस पे बोल दो, या फिर कितना जो है एग्जॉस्टेबल खत्म होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है बच्चों, एग्जॉस्टेबल के बेसिस पे जैसे हम रेन्यूएबल नॉन रेन्यूएबल की बात करते हैं, हम लोग बायोटेक ए बायोटेक की बात करते हैं, तो यहां पर वो चीजें जो है हमको याद रखनी है। सॉइल एज अ रिसोर्स के हम बात करेंगे, सॉइल एज अ रिसोर्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल है बच्चों, काफी ज्यादा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज और सॉइल टाइप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। अलग सॉइल टाइप्स कौन से, उन सॉइल में कौन कौन से क्रॉप्स को उगाया जाता है, सारी की सारी बातें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। सॉइल कहाँ कहाँ पे, अच्छा सॉइल को मार्क करना मैप में आएगा तो वो भी याद रखना है। तो ये दोनों टॉपिक मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में, अच्छे से पढ़िएगा, बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और एक और टिप दे रही हूँ, रीड दी चैप्टर, आप मेरे को पता है चैप्टर को समझ चुके हैं, उसको लर्न भी कर चुके हैं, लेकिन प्लीज उसको रीड करिए, छोटी छोटी डिटेल्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पेपर के लिए। क्या पता बच्चों कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं जो कहीं एक छोटी सी डिटेल आपने पढ़ी हो उसमें से आ जाएं, तो आपको ना एग्जाम टाइम पे आप बोलोगे कि वाओ, मतलब हमने चैप्टर रीड कर लिया था ना तो अब हमें ये चीज आती है, ठीक है, तो रीड जरूर करिएगा। आ जाते हैं आगे, एग्रीकल्चर काफी ज्यादा पसंदीदा चैप्टर बच्चों, यहाँ पे टाइप्स ऑफ फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, कमर्शियल और इंटेंसिव सबसिस्टेंस, ये तीनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्रॉपिंग पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खारिफ रावी जैद, ठीक है बच्चों। मेजर क्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद फूड सिक्योरिटी का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। एक कंफ्यूजिंग टॉपिक यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का रहता है, बात मुझे पता है, तो ये जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स वाली चीज़ है इसको भी प्लीज़ रीड कर लीजिएगा। और टाइप्स ऑफ फार्मिंग अच्छे से पढ़ना है, क्रॉपिंग पैटर्न, मेजर क्रॉप्स, अच्छा मेजर क्रॉप्स के अंदर फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स, ये सब भी इंपॉर्टेंट रहता है। इनमें बच्चों जो कन्फ्यूजन है प्लीज़ उसको दूर कर लीजिए, एग्रीकल्चर के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्रॉप के बारे में पूछ लिया जाएगा कि वो खारिफ है या राबी है, या फिर बोल दिया जाएगा कि इनमें से गिवन ऑप्शंस में से खारिफ क्रॉप कौन सा है, राबी क्रॉप कौन सा है। रेनफॉल की बात की जा सकती है कि इस क्रॉप को क्या कितनी रेनफॉल रिक्वायर्ड है, रेनफॉल पे क्वेश्चन आ सकता है, खारिफ राबी पे क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन काफ़ी तरीकों से मोल्ड करके आ सकता है, बट आपको बच्चों एक प्लीज़ अभी तक अगर ये काम नहीं करा है तो प्लीज़ ये काम कर लीजिए, आज रात ही बैठ कर लीजिए, अपना ना एक पेन लो, कुछ शीट्स लो, उस पर अलग से राइस वीट मेज अलग अलग लिख कर बच्चों पॉइंट्स में उसको लर्न कर लीजिए, या फिर अगर आपको किसी वीडियो को देखकर मदद मिलती है या फिर हमारी ही पुरानी वीडियो को देखकर मदद मिलती है तो प्लीज़ उसको देखिए, और मेजर क्रॉप्स वाला ये जो सीन है ना इसको अपना सॉर्ट कर लो, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे आ जाते हैं, यहाँ पर डिवेलपमेंट की बात कर लेते हैं बच्चों। डिवेलपमेंट इकोनॉमिक्स आ गया है, इकोनॉमिक्स का हमारा चैप्टर है डेवलपमेंट, विकास की बात करता है डेवलपमेंट, ठीक है बच्चों। और आप लोगों का विकास चैप्टर में कैसे होगा जब अच्छे नंबर आएंगे, तो इस चैप्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक चीज़ कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं वो गोल्स। उसके बाद बच्चों यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है ये वाला, ठीक है, और ये वाला,
तो यहां पर जब पर कैपिटा टोटल इनकम, ठीक है, पर कैपिटा टोटल इनकम के साथ साथ बचो एवरेज इनकम का फॉर्मूला, टोटल इनकम क्यों नहीं है एडिक्वेट इंडिकेटर, उसके बाद एवरेज इनकम का ड्रॉबैक क्या है, पर कैपिटा इनकम का ड्रॉबैक क्या है, वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। और उसी के साथ साथ जो बाकी अदर इंडिकेटर्स की जब हम लोग बात करते हैं, अदर इंडिकेटर्स के अंदर हम लोग बच्चों लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, अच्छे से प्लीज इनको पढ़कर जाइएगा। और बच्चों एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारा BMI, बॉडी मास इंडेक्स। इसके ऊपर हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में कैलकुलेट करना आ जाए, फिगर्स दे दी जाएंगी, वेट दे दिया जाएगा, हाइट दे दी जाएगी, कैलकुलेट करके बताना होगा। तो प्लीज बच्चों BMI का फॉर्मूला जो है 18.5 से कम आता है तो अंडर नरिश्ड, और 25 से ऊपर आता है तो ओवरवेट। 18.5 और 25 के बीच में आता है तो इंसान क्या है, एक तरीके से उसका वेट सही है, वो फिट है। तो बच्चों ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक इंसान का BMI इतना आ रहा है तो वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, ठीक है। तो प्लीज BMI को अच्छे से पढ़कर जाइएगा, ये सारे इंडिकेटर्स को भी लर्न कर लीजिएगा। और आगे चल लेते हैं, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। यहाँ पे बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों सेक्टर्स को समझना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, पब्लिक, प्राइवेट। तो ये जो अलग अलग सेक्टर्स हैं इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथ ही में टर्शरी सेक्टर के राइज की जब हम बात करते हैं, द राइज ऑफ टर्शरी सेक्टर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख लो कहीं पे राइज ऑफ टर्शरी सेक्टर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों फाइनल गुड्स की वैल्यू ही क्यों कैलकुलेट की जाती है, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, GDP, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इसके साथ ही साथ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत बारी क्वेश्चन देख लिया है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पे, काफी रिवाइज करा है इस चीज को। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को ही बच्चों हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, जब एक इंसान अपनी फुल कैपेसिटी, फुल कैपेबिलिटी को यूज करके जो है काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उस सिचुएशन को बोला जाता है। प्लीज इन सारी की सारी चीजों को अच्छे से याद करिएगा, सेक्टर्स ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, पब्लिक, प्राइवेट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए रिवाइज करने की बात कर रही हूं, आप जल्दी से पावर शेयरिंग पे आ जाते हैं। पावर शेयरिंग के अंदर परसेंटेज बहुत ज्यादा जो है बच्चों एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी है। कितने लोग डच स्पीकिंग लोग थे, कितने लोग फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, ब्रुसेल्स के अंदर कितना परसेंटेज था, उसके बाद अगर हम बात करते हैं किस चीज़ के बारे में बच्चों, अगर हम बात करते हैं हमारे श्रीलंका के बारे में, वहाँ पे सिन्हाला बोलने वाले लोग कितने थे, वहाँ पर तमिल बोलने वाले लोग कितने थे, तमिल्स के बीच में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या डिफरेंसेस थे, वो सारी चीज़ें, फीलिंग ऑफ एलिनेशन क्या आती है, तमिल ईलम की बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मेजॉरिटेरियनिज्म, अकोमोडेटिव पॉलिसीज, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो बच्चों ये जो है ना, यहाँ पर ये तीन टॉपिक और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही में प्रूडेंशियल या फिर मॉरल, ये भी क्वेश्चन बार बार आया है कि विच ऑफ दीज इज अ प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग या विच ऑफ दीज इज अ मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। याद रखना है बच्चों, लास्ट टाइम बता रही हूं, ठीक है, इसके बाद क्या पता कोई बताए या ना बताए, मॉरल रीजन होता है पावर शेयर करने का जब हम डेमोक्रेसी, इन द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी पावर को बांट रहे हैं, और प्रूडेंशियल रीजन होता है जब हम एक तरीके से समझदारी इसी में है, कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने के लिए पावर को बांट रहे हैं बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। बहुत सिंपल चैप्टर है, इसको तो आप फटाफट लर्न कर ही लेंगे। अब आता है फेडरलिज्म, फेडरलिज्म में बच्चों ध्यान दीजिए, फेडरलिज्म के अंदर फेडरलिज्म क्या है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर और फेडरलिज्म सेम चीज होती है, पावर डिफरेंट लेवल में बांटना भी सेम चीज होती है। यहाँ पे बच्चों हाँ जी, यहाँ पर इस इन टॉपिक्स को अच्छे से रीड करिएगा, इसको रीड करो, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, और कितनी लैंग्वेज पॉलिसी की बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक्चुअली लैंग्वेज पॉलिसी की बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, और हमारी जो रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी थी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, वो कब एस्टैब्लिश की गई थी, किस पर्पस के लिए आई थी, वो पर्पस जानना इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसी के साथ साथ यहां पर जो टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस और हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अच्छे से लर्न करिएगा। कौन कौन से अमेंडमेंट्स लेकर आए थे 1992 में, उनको भी अच्छे से लर्न करिएगा बच्चों प्लीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं यहां पर बच्चों, वाटर रिसोर्सेज एक चैप्टर बच गया है ना, तो वाटर रिसोर्सेज के अंदर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं रिवाइज करनी है, तो मैप वर्क मेजर सॉइल टाइप्स का और एग्रीकल्चर का भी रिवाइज करिएगा। और बच्चों वाटर रिसोर्सेज के अंदर ये जो डैम्स की लिस्ट सीबीएसई द्वारा जारी की गई है, ये डैम्स किस जगह पे पाए जाते हैं, किस नदी पर बने हैं, कौन से स्टेट में है, किस नदी पर है, प्लीज याद रखिएगा। डैम को लिखो, नदी लिखो, स्टेट लिखो, रट लो अच्छे से, मतलब रटना ही पड़ेगा, याद कर लीजिए उस चीज को। और मैप पर किस तरीके से मार्क करना है बच्चों, मार्क वैसे करना नहीं आएगा जहां तक कि मुझे लगता है, बस क्योंकि एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं तो आ जाएगा, लोकेशन ऑलरेडी मार्क्ड होगी, कुछ हिंट वगैरह दे रखा होगा और आपको चूज करना होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो कौन सी चीज कहां पर है, यहाँ पे एग्रीकल्चर चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जो क्रॉप है, किस जगह का मेन क्रॉप है, मेजर क्रॉप है, वो जगह को याद करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए। इंडिया का पॉलिटिकल मैप ले लो, बैठ जाओ और कौन सा स्टेट है उसको मार्क करके याद कर लीजिए। ठीक है, हमारे 28 के 28 जो राज्य हैं उनका नाम याद कर लो, किधर मैप में किधर आते हैं उनको भी याद कर लीजिए, और फिर ये सारी चीजें लर्न करिए बच्चों। समय जो है काफी कम है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चीजें अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी हैं तो एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है, और अगर नहीं पढ़ी हैं, उतने अच्छे से लग नहीं रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो बच्चों अभी जो है दिन रात लगा दो, दो दिन तीन दिन, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए, जितना हो सकता है कर लीजिए, और फिर एट दी एंड जो है एग्जाम में घबराना नहीं है, वहां पर जाकर कॉन्फिडेंस से एग्जाम देना है, अच्छे मूड के साथ जाना है, ठीक है, फ्रेश उठना है, अच्छे से एग्जाम देने जाना है खा पी कर, ठीक है बच्चों, और वहां पर अच्छे से एग्जाम देकर आना है। और आई एम श्योर जो जो आपने मेहनत करी है उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा, सो डोंट वरी एट ऑल, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, वरी करने के बिना जिस चीज में डाउट है, जिस टॉपिक में दिक्कत है, उसको पढ़ लीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, टेक केयर, विल मीट यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।